ये उस नाग का खून है। देखकर बता हमारा ये नया दुश्मन कौन है। रुद्र, रुद्र क्या? रुद्र, 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 ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। उन लोगों के हाथ मेरा खून लग गया है। क्या? तुम में से किसी एक ने इस नाग की प्रेमिका को मारा है। हमने? हाँ, हमने तो सिर्फ शिवन्या को मारा है। अब ऋतिक के सिवा वो किसी और की प्रेमिका थी ये पता नहीं। वो जोड़ा था, इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा था, और तुमने उस नाग के नागिन को मारा है। सोचो कहां उसे तुमने मछला है, कहां कुचला है। हाँ याद आया, अमर। अमर? पर अमर तो मर चुका है। अरे लेकिन मरने से पहले एक औरत मरी थी उसकी गाड़ी के नीचे। हिट एंड रन का केस था उसपे। पर वो केस पैसे खिला के दबा दिया गया था। और वो औरत? वो औरत नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी, और तुमने एक नागिन को कुचला है, और ये नाग उसका बदला लेने आया है। अरे हमें पता है, लेकिन तू उसका असली चेहरा तो दिखा। अब वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हारा चेहरा देख लेंगे वो। नहीं, वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब उनको कोई और ही चेहरा दिखेगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है ये? अरे ये सांप थोड़ी ना है, ये तो कोई बाबा है। ये इच्छाधारी नाग है, कोई भी रूप ले सकता है। यही इसका असली रूप है। याद करो, कभी तुमने इसको देखा है? हाँ देखा था, पर पता नहीं कहां देखा है। रुद्र, वहां क्या हुआ था? उन लोगों ने मेरे खून का प्रयोग किया है, और मेरा चेहरा देख लिया है। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग और नागिन 2 साल की तपस्या के बाद अपना रूप लेते हैं, और जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो मेरा रूप कुछ और ही था। बड़े बाल, लंबी दाढ़ी और मूंछें। वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे,
ये लोगों के लिए जहर है पर तुम्हारे लिए दवा। अब ये जहर ही जहर को काटेगा। अब अपने इंतकाम की राह पर आगे बढ़ना है मुझे। रानी नहीं तो राजा को मारूंगी। अवंतिका को नहीं मार सकी पर अब विक्रम मरेगा। बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक नाग है। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे ओ कपालिका, जान रहेगी तभी तो हम नागमणि उठा पाएंगे। अरे कोई तो कवच दे इस बाबा वाले सांप से बचने के लिए। दुनिया भर के सांपों का मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? सत्य और नाश हो इन नाग नागिनों का। ए मैं तुझे थोड़ी ना कह रही हूँ, तू नागिन थोड़ी ना, तू तो मेरी काली नागिन है। लेकिन एक बात तो है, जब तू अपनी बहन शिवन्या का साथ दे रही थी ना, तो तुम दोनों से बचने के लिए गुरुमा ने हमें अंगूठिया दी थी। हाँ अरे सुन, ऐसा कुछ है तेरे पास? हाँ अगर नहीं है ना तो उठा अपना ये बोरिया बिस्तर और चल यहां से। कुछ है देने के लिए? गरुड़ गरुड़, सदियों से नाग और नागिन की दुश्मनी, यह गरुड़ ही तुम्हें बचाएगा। यही तुम्हारा असली कवच है। ये लो गरुड़ कवच, याद रखना गलती से इसे निकालना मत। कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन तुम्हें छू नहीं पाएगी। ठीक है ये। मुझे इसकी जरूरत नहीं है पर विक्रम को है। क्यों? वो मक्खी नहीं है। शक्तियां सिर्फ महेशमती औरतों के पास होती है, इसीलिए मैंने विक्रम के बहुरूपिये को रूप बदलने के लिए कहा था, क्योंकि विक्रम रूप नहीं बदल सकता। एक और बार देखना चाहती थी कि वो विक्रम था या उसका बहुरूपिया। जवाब गलत दिया और पकड़ा गया। हम पांच और ये गरुड़ कवच भी पांच। मैं, यामिनी, मानव और विक्रम। ये पांचों किसके लिए? ए, मुझे तेरी पेंडेंट की जरूरत नहीं है। तुझे नहीं है, बड़ो पांचवा जिसने दूल्हे का सहरा पहना था उसे तो है। हाँ।